मत सुना बेसुरो, चला है मेरे बेटे दिलदार का मुर्गियों और फंदे, तो हम बाप बेटों के गले में मुस्तकिल जम कर रह गए। वाह वाह रुस्तम उस्ताद, सुरीला बेटा है और तरीके अपनी किए जा रहे हैं। चुप रहो गुस्ताद बेदबो, अबे तुम्हें हमारे गुनों की खबर नहीं, बस गुनों के गुथले हैं हिंद सिंध पंजाब के और बलोचिस्तान के दूर दराज इलाकों में, चर्चे हैं रुस्तम कव्वाल की तानों के। आप गाड़ी में गाते रहे बकवास बनकर, क्या था वो दा 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 दा। नवाब ज़ादा साहब आदाब अर्ज़े हुज़ूर, आदाब। कैसे हो चाचा? इनायत नवाजिश करम मेरी, सलामत रहे ये। गिरा खूब लगाते हो चाचा। हमारा दोस्त कहाँ है? वो नवाब ज़ादा सरकार। आदाब। फिर भी तकल्लुफ, तुम जानते हो दोस्ती में हमें ये मौत तो गुफ्तगू अच्छी नहीं। फिर भी ये चांद दिन में कैसे निकल आया? कल हमारी सालगिरह, इसलिए दावत देने आए हैं तुम्हें और चाचा को। आप लोग हमारे मेहमान भी और फनकार भी। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, कव्वाली तो नवाब हारून पाशा का मन पसंद खाजा है। जरा बाजा चाचा, पूरी बात तो सुन लो। कल की कव्वाली में आपका मुकाबला किसी सुरैया भोपाली से। जी कव्वाली में मुकाबला? ये सुरैया भोपाली क्या चीज है सरकार? कोई नई कवालन आई है हिंदुस्तान से, सुना है बहुत सुरीली है। नामुमकिन सरकार, लेकिन रुस्तम का मुकाबला औरत जात से? आप घबरा गए अब? घबराहट सुरों की वजह से नहीं, औरत जात से। बेटे इसके जादू से बचना बहुत मुश्किल है। बात मुश्किल हो या आसान, अब्बा हुजूर की जिद थी, फैसला बदल नहीं सकता। अच्छा दिलदार, अब हम चलते हैं, वक्त से पहले पहुंच जाना। जी खुदा खुदा। परवरदिगार रुस्तम की इज्जत असमत शर्मो हया तेरे हाथ है मेरे वाली, लाज रखना कहीं औरत जात से मात ना खा जाओ। नवाब साहब चले गए, दिन गुजर गया, किन सोचों में गुम हो रुस्तम उस्ताद? मुकाबला औरत से मुकाबला, मुझे डर लग रहा है शिवराजी। क्या बेसुरी बात ही है रुस्तम उस्ताद? चुप हो जाओ कमबख्तो, कयामत के आसार है, औरतों ने मर्दों के मुकाबले में कव्वाली शुरू कर दी है। ऐ शुभराती जाओ जरा तार के यहाँ और फौरन ये चीजें ले आओ। लिखो, फेरी जरा लंबी है। पूजा मिश्री एक पाव, एक पाव। छोटी इलायची बड़े हुजूम वाली एक पाव, एक पाव। गिरी बादाम आधा शेर, आधा शेर। मगज कद्दू आधा शेर। सुफूफ मुलहटी एक पाव, आधा शेर। सेब का मुरब्बा और चांदी के वर्क भी लिख लूं उस्ताद? क्या बकता है, जरा दिल खड़ा रहेगा। अरे अपनी जबान का चस्का जाता है चटोरे, मैंने खुराक नहीं नुस्खा मंगाया है नुस्खा। असल चीज तो तुम भूल गए रुस्तम। सब याद है मुझे, लिखो। फूल बनफ्शा एक पाव, गुलकंद एक छटाक। सारी रात कूजा मिश्री के गरारे होंगे, गले पर बनफ्शा के फूलों के तकिए बंधेंगे, फिर कहीं जाकर कव्वाली में रुनमाई होगी रुस्तम उस्ताद की। सुरैया भोपाली एक नादर फनकारा है चचा जान, अपने क्लब के आइटम के लिए बड़ी मुश्किल से बुलाया है मैंने, हिंदुस्तान से आई है। बस कवाल न समझे, रानी है महारानी, राजे महाराजे उसके सामने दम नहीं मार सकते। ऐसी भी क्या बात है उसमें? आप उसे देखेंगी तो दंग रह जाएंगी चची जान, होश उड़ जाएंगे उसकी आवाज सुनकर। हमारे इश्तियाक को भड़काते हो, अगर हमारी समझ में ये बात नहीं आती कि उस कव्वालन के सामने राजे महाराजे दम क्यों नहीं मार सकते। तो जमाना खत्म हो गया अंकल, अब तो डेमोक्रेसी है, लिहाजा हर एक की मर्जी का ख्याल रखना पड़ेगा। यूसुफ ने हमसे अपनी सालगिरह पर मॉड म्यूजिक सुनवाने का वादा किया था। भाई एक तो हमें तुम्हारी ये अंग्रेजी की मिलावट वाली गुफ्तगु पसंद नहीं है, और फिर तुम अंग्रेजी गवैये बुलवा कर हमारे मिजाज को बदनाम करना चाहती हो। बस कुछ नहीं होगा सिवाय कव्वाली के, हमने फैसला कर लिया है कि रुस्तम के बेटे दिलदार कव्वाल और सुरैया भोपाली का मुकाबला होगा कव्वाली का। Thank you.
शम्मा से कहता था परवाना इश्क हकीकत उसने फसाना शम्मा से कहता था परवाना इश्क हकीकत उसने फसाना शम्मा से कहता था परवाना पे जान लुटा देता है आग से प्यास बुझा देता है उसको अरमान है जल जाने का कहिए क्या जुर्म है परवाने का जुर्म मुलाहजा फरमाइएगा किबला नवाब साहिब जब मेरे सर पे धुआं होता है कहिए परवाना कहाँ होता है ये मस्ताना इश्क दीवाना प्यार की बोली बोल गया कार पे चढ़ कर मौत से लड़कर राज हकीकत बोल गया किस पर किसने देखा ये नाजा और अंदाजा कौन उठाए किबला नवाब साहेब रंग चेहरे का बदल जाता है उस दो रोज में ढल जाता है रात भर के हैं नजारे सारे इनको चुप जाते हैं तारे सारे जज्बाए उजला पानी है तेरी एक एक अदा पानी है इश्क को नूर खुदा कहते हैं उसको बोलिए क्या कहते हैं उसको बोलिए क्या कहते हैं उसको बोलिए क्या कहते हैं हरीफ की बात में ना आइएगा सरकार हुस्न की मेराज अंदाजा फरमाइएगा हुस्न कलियों के रंग ढंग में है हुस्न फूलों के अंग अंग में है हुस्न आँखों में हुस्न काजल में हुस्न बिजली में हुस्न बादल में गश्त दरिया में कोहसारों में हुस्न बरसात की बहारों में और हुस्न की पाकीज़गी ना देखिए आपसे अर्ज किया है नवाबजादा यूसुफ
बेटी, माशाल्लाह आज सारी महफिल को जोड़ दिया तुमने, मुबारक हो। अपने करने क्या उस्ताद जी, सारा कमाल तो शेरा का था। हाय हाय, खूब लिखे ये राज भी, कौन है कहाँ है ये भी एक राज रहा मुझ पर। उसकी खातिर वतन छोड़ा पर उसका पता ना चला, ढेर खता के जवाब में बस ये दीवान मिला सुरैया को। गाती तो खूब है लेकिन उसका बार बार आपसे मुखातिब होना हमें अच्छा नहीं लगा। लाहौल वाला कुवत बेगम, क्या फजूल बातें करती हो, अगर बात में अदायगी और अंदाज में नाज नहीं तो वो कव्वाली क्या हुई। और फिर उसने हमें ही नहीं और लोगों को भी मुखातिब किया था, और फिर क्या मौका महल और मुनासिबत के साथ। वाह वाह वाह, खूब कव्वाली गाती है। कव्वालत तो चली गई, अब हुजूर की सोच में गुम है। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता था कि अब तुम घर जाओ। अच्छी लड़कियों का इतनी देर घर से बाहर जाना बहुत बुरी बात है। पहले ये बताओ, तुम्हें उस लड़की की कव्वाली अच्छी लगी? बहुत बुरी लगी, मुझे तो उससे नफरत है। मेरी कसम खाओ। तुम्हारी कसम, अब जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट फॉर गुड। क्या गाई है औरत, क्या अंदाज है, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह, अब तक नशा है तबीयत में ताकत। तो इसका मतलब है आप ही गोल हो गए। अल्लाह बचाए ऐसी औरतों से। मुझे तो यूं लगता है जैसे आज उस महफिल से बचकर कोई नहीं किया होगा। मिस्किरा रही है कम्बा मेरी शिकस्त और अपनी नालायकी पर। अरे रो जी भर के रो कि आज हम दोनों के लिए रोने धोने का मकाम है। फिर मुस्कुरा रही है? मुस्कुरा इसलिए रहा हूं अब्बा के आज की हार का दुख नहीं हुआ। क्या कहा, तुझे दुख के बजाय सुख मिला? अरे नाहंजार कुछ सोच, निकाल मेरी बयाज, साथ छेड़ कुछ तान पलटे लगा ताकि दोबारा उस घटिया। और अब्बा इतनी बड़ी फनकारा को घटिया कहना बहुत छोटी बात है। अगर वो घटिया नहीं तो फिर तू घटिया है, मैं बेसुरा हूँ। मेरी तरबियत और तेरी तालीम में कुछ फर्क होगा, मैं कहता हूँ तेरी परवरिश ही गलत हुई है। सच से मुंह मोड़कर अल्फाज का सहारा क्यों लेते हो अब्बा, सच तो ये है कि वो खूब गाई। अच्छा, उसने महफिल को लूट लिया अब्बा, लोग हैरान थे और मुझे तो महसूस हुआ जैसे मेरा दामन मौसीकी से खाली हो गया। इसका मतलब है तेरे दामन में सुराख होंगे। दिल और दामन दोनों छलनी है उसकी आवाज के कारण अब्बा, उसके गले में सुर नहीं जादू था। अबे ओ जादूगर की औलाद, तू मेरे दुश्मन की तारीफ करके मुझे जलील कर दिया। मैं तुझे जायदाद से आग कर दूंगा, घर से निकाल दूंगा, दूर हो जा मेरी नजरों से। मेरे दुश्मन, मुझे अपनी हार से ज्यादा इस बात का अफसोस है कि तू विश की तारीफ कर दिया है। विश की तारीफ करके तूने मेरे कलेजे पर दाया और बाया मारा है दिलदार, मेरे जिगर पे सारंगी का गर्द चला दिया। मैं कहता हूँ दूर हो जा, निकल जा, निकल जा यहाँ से। वो किसी शायर का ख्याल, संतराश का मुजस्मा और मुसविर का बनाया हुआ शाहकार है दिलदार। ऐसी तस्वीर जो बोलना भी जानती हो और एक ही बार में दिल लूटना भी, क्यों हमने गलत कहा? आपने दिल लूटने की बात कह दी है सरकार, तो मैं क्या अर्ज करूंगा। वार आपके दिल पर हुआ है, तीस मेरे दिल में भी उठी। तुम हमारे दोस्त हो ना, इसलिए। वो दोस्त ही क्या जो दोस्त के दिल तक न पहुंचे, और आप जाने अपना तो नाम ही दिलदार है। दिलदार हम उसके लिए वो गीत लिखेंगे कि वो लाजवाल हो जाए, और उसकी तारीफ में लिखे हुए शेर जब तुम गाओगे तो सोचो क्या समा बंधेगा। ये अपने अपने नसीब। अखबार वालों ने तुम्हारा जिक्र कितने अच्छे अंदाज में किया है। ये नवाबजादा साहब के साथ मेरी तस्वीर, कुछ
अपनी भवन भी ठीक ही दिखे उस्ताद जी। यूसुफ की तस्वीर उसको वालन के साथ, दिस इज नॉनसेंस। ये देखेंगी तो मेरी बहुत इंसल्ट होगी। यूसुफ को मेरे साथ फैसला करना पड़ेगा। ये सब तो अखबार वालों ने किया है बेटी, इसमें यूसुफ का क्या कसूर? कसूर यूसुफ का कसूर ये है मम्मी कि ना उसके घर आती और ना बात इतनी बढ़ती। क्या उसका वालन अब ये स्टेटस है कि नवाबजादों के साथ उसकी तस्वीरें उतरे? कब के चले गए हैं? कहाँ चले गए? कुछ कह के नहीं गए, वो जल्दी में थे। और हारून अंकल? जी वो सो रहे हैं और बेगम साहब का ना जगाने का हुक्म है। लेकिन यूसुफ इतनी जल्दी कहाँ चला गया? उसके नाज़ो अंदाज ठीक ही तो थे, इस खूबसूरत माहौल में तो हर किसी को दिलरुबाई आ जाती है। आदा तस्लीमात। इतनी सुबह अपने को जाग ना आवे, पर आपसे गिला था इसलिए चले आए। गिला? और हमसे हैरत है। हैरतों को भी आप बोले, आप कैसे आए? उस रात आप हमारी सालगिरह पर आई तो मद्दाव का एक झुरमुट आपके सामने था, हम आपसे बात भी ना करें। बातों को छोड़िए नवाब साहब, आपने अपनी तस्वीरों और हमारी तस्वीरों के अखबार बनाकर अच्छा नहीं किया। जी क्या मतलब? लोग नाम धरेंगे हम पर आपका जी, और हम भला इस तोमता और कालका से बचेंगे कैसे? शहर आपका, लोग आपके, हम तो मुफ्त में बदनाम हो जाएंगे। कसम है अपनी आँखों की, अपने करने सब कुछ है लेकिन अब तक रुसवाइयाँ बदनामियाँ पास न भटके थी सुरैया के। लेकिन बाखुदा इसमें हमारा कोई कसूर नहीं। जालिम अपने करने हमेशा बेकसूर बोले जी, लगा दे हमारा नाम। हम बिन बुलाए तो गए आपकी हवेली, तालियां लोगों ने बजाई, घूर घूर के आपने देखा और ऊपर से तस्वीरों में खबर। तुम्हारा ये अंदाज गुफ्तगू हमें लूट लेगा सुरैया। ले कर ले इंसाफ, अब लुटेरा भी बना डाला, दो शेर दो बोल कहकर हमने आपको क्या लूटा है नवाबजादा साहब? कुछ भी नहीं, सिर्फ रास्ता भूल के तुम्हारे घर तक आ गए हैं तुम्हें नाम देने के लिए। बहुत कम कीमत का इनाम। आदा सुरैया तुम जानती हो कोई किसी को फूल का तोहफा दे तो उसका मतलब क्या होता है? मैं तो इस मामले में निरीक्षण ठहरी जी, सिर्फ ये जानो फूला में खुशबू होवे, जिसको सूंघते सूंघते बुलबुल पागल होवे, बेकल होकर कूके कुरलावे। उस मौसम में जब फूल ना होवे जी, क्या फूले आप? माफी चाहती हूँ हुजूर, दरवाजे पर अखबार वाले हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। अखबार वाले दरवाजे पर? थोड़ी सी देर में दिल की पाता होगी ना जी, अब दिल क्यों लड़ते सूखे पत्ते की तरह? ये होंगे बदनामी और तोमता। उन लोगों को दरवाजे पे रोकिए ताकि हम वापस लौट जाएं, वरना बहुत कुछ गलत हो जाएगा। ऐसा ही दिल को धड़का था तो ना आए होते जी। उन सब लोगों को बुलवा लीजिए। अब तो दिल का धड़का खत्म हो गया ना? नवाब दादा यूसुफ, आप शायद अगले फंक्शन की दावत देने आए हैं सुरैया बेगम को। जी अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बहुत अच्छे शेर कहते हैं नवाब दादा साहब, उस दिन आपने इनका कलाम गाकर। क्या बोले जी, ये यूसुफ रात थे? जी हाँ, आप इनसे आशना न थी? गजब हो गया, अब क्या होएगा उस्ताद जी? सुरैया बेगम इन अखबार वालों से तो कुछ बातें कीजिए। आप इतने सारे लोग किस लिए चले आए जी, और जो बात बताने वाली थी उसमें खामख ही देरा लगाए। सुरैया बेगम इन अखबार वालों ने आपकी तस्वीरें और खबरें। जो हुआ सो हुआ जी, मेरे कने इस वक्त फुर्सत कोई ना, इन्हें भेज दे और अभी तशरीफा ले जाए। उस्ताद जी क्या हुआ सुरैया बेटी? क्या नहीं हुआ, कयाम तो टूट पड़ी उस्ताद जी, वो आए और चले गए और मैंने उनसे बातें भी और लोगों की तरह करी। किसकी बातें करती हो बेटी? वही उस्ताद जी यूसुफ राज, जिसने अपने आप को मेरे लिए राज बना छोड़ा था, वो वही नवाबजादा यूसुफ है जिसकी सालगिरह पर अपन गए थे। उन्हें बुलाए उस्ताद जी, उन्हें किसी तरह भी बुलाए, मैं उनसे अपनी गुस्ताखियों की माफी मांग लूंगी। क्या कह रहे हो फैयाज, यूसुफ उस कव्वालियां गाने वाले के यहाँ मौजूद था? जी हाँ अंकल, मैं तो खैर अपनी क्लब के लिए प्रोग्राम डिसाइड करने के लिए गया था,
लेकिन वहां यूसुफ के लिए कुछ खास एहतमाम और राजदारी का माहौल था। मेरा मतलब है कुछ जाती सिलसिला वगैरह। सुन रही हैं बेगम, साहिबजादे जवान हो गए। हो सकता है ये बात सच हो, लेकिन हमारा दिल नहीं मानता। मुझे मालूम था आप यही कहेंगी आंटी, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए था। इस खानदान का चश्मो चराग एक कवालियां गाने वाली के मकान पर आपके खानदानी वक्त साथ लाया हूं। मुलायजा फरमाइए। बेहुदा और गैर मुनासिब तहरीर है। क्या बात है बाजूर? इस अखबार में चर्च जिल्लत और रुसवाई के। जी अपनी आंखों से देख लो साहेबजादे, इसमें तुम्हारे इश्क की दास्तान नहीं, हमारे खानदान की तबाही की खबर छपी है। तुम उसके घर क्यों गए थे यूसुफ? क्या तो था मेहजूर, लेकिन हम कोई शर्त और वजह जानना नहीं चाहते यूसुफ। सुरैया भोपाली के बाला खाने पर तुम्हारी मौजूदगी और स्याह रंग के इस हाशिए ने हमारे उजले नाम पर कालक मलती है। हैरत तो इस बात की अब हजूर कि उसका हमारे घर आना आशियारा ही क्यों ना बन सका। तवायफें और नाचने वाली औरतें उमरा और रउसा के यहाँ अक्सर आया करती हैं साहेबजादे। लेकिन उसका मुकाम तवायफ और नाचने वालियों से कुछ जुदा है बहाजूर। उस कव्वालियां गाने वाली की हिमायत में बोलने की बजाय हमारा हुक्म सुन लो। तुम्हारे जाने के ये तमाम और अंदाज कुछ मशकूक से हैं। हम तुम्हारे बाहर जाने पर कुछ पाबंदियां आयद करना चाहते हैं, शरफा वाली पाबंदियां। जी बेहतर, इस वक्त तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा, शाम को कुछ दोस्तों से मिलने तो जा सकता हूँ। दोस्तों से मिलने जा सकते हो, सुरैया भोपाली से नहीं। तसव्वुर से किसी के मैंने की है गुफ्तगू बरसों, रही है एक तस्वीर ख्याली रू बरू बरसों। नवाबजादा यूसुफ आ गए। अब उन पर प्यार के गीत आबाद है, हम समझे नहीं। आप समझ नहीं पाए, और सुरैया को सारी कायनाता मिल गई। तेरे शेरा से पागला की तरह प्यार करने वाली सुरैया से जो भूल हुई उसके लिए माफिया दे दे। सुरैया हमें बताओ, ये तकदीर की देवी हम पर इतनी मेहरबान की हो गई, जिसके हम दीवाने थे वो हमारी दीवानी निकली। अपन वही तो हैं सरकार, जिनको आपने दीवाना भेजे। आपके शेरा को मैंने दिल में सजाया, इतना गाया कि अपने करने भी नहीं रहा राज। तो तुम हो वो सुरैया जिसने चंद साल पहले अपने हर खत में हमसे दीवान का मुतालबा किया था। कितना हसीन इत्तफाक। जी सरकार, जितना हसीन इत्तफाक उतनी हसीन मुलाकात। इतना बोलिए, अब जुदाइयां और दूरियां आड़े तो ना आवेंगी, अब तो सरकार के दीदार होते रहेंगे ना। अपनी तकमील की खातिर, अपनी धड़कनों की खातिर इस परिखाने में आना ही होगा सुरैया। हम कल फिर आएंगे, और जब तक जिएंगे आते ही रहेंगे। बाप का नौकर तो नहीं था, नौकर तो नहीं था। उस्ताद इन तान पलटों से परहेज ही रखो, तुम्हारा बूढ़ा हून इतनी तैयारी बर्दाश्त नहीं कर सकता। कहीं गुजर ना जाना, देखो कितनी बेशर्मी के पसीने आ रहे हैं। करो बेसुरो, इन रगों में अभी तान सहन वाला लावा मौजूद है, तान मारने पर आओ तो हरीफ की गर्दन तोड़ दूँ। हाय 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 हाय, क्या बेसुरी पहलवानों वाली बात की है उस्ताद। बकमत मेरे रियाज को झुकते करते हो, मुझे पहलवान बना दिया। अबे मरते मर गए, मुकाबले हार गए, लचक और नजाकत नहीं गई। हाय 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 हाय, क्या नाज़ो अंदाज़ है उस्ताद के। इंशाल्लाह अब हमारा कारोबार जरूर चलेगा उस्ताद। कैसा कारोबार?
आदाब चाचा। आहा नवाब साहब, हुजूर हम गरीबों यतीमों के घर कैसे फेरा हो गया? बस सलाम को आया चाचा। वो दिलदार कहाँ है? दिलदार नहीं, दुश्मन कहिए, निकाल दिया है घर से नाबकार नाहंजार को, तबले सारंग के समेत सारी जायदाद सुराख कर दिया है। मेरी हरीफ की तारीफ करता था, सुना है अब किसी पुराने बागीचे में जानवरों और परिंदों को राग रागनी सुनाता है। दिलदार। नवाब ज्यादा सरकार, आप यहां? मैं कहां कहां न पहुंचा तेरी तीत की लगन में, लेकिन तुम यहां क्यों आ गए? घर क्यों छोड़ दिया? घर छोड़ा नहीं, अब्बा ने निकाल दिया, नाराज है मुझसे। किस लिए? छोड़िए इस जिक्र को, हमसे तो सभी नाराज रहते हैं, अपना अपना नसीब है नवाब साहब। हम सब जानते हैं दोस्त, तुम्हारा जुर्म सुरैया की तारीफ है और सजा के तौर पर तुम्हें घर छोड़ना पड़ा। जुर्म खूबसूरत है ना, पसंद आया आपको? तुम्हारा जुर्म भी प्यार के काबिल है। लफ्जों में तो क्या, इसी तौर भी आपसे जीत नहीं सकता। कुछ अपनी कही, हाले दिले जारी सुनाई। यही तो हम बताने आए हैं, सुरैया क्या मिले दिलदार, मोहब्बत का एक जहां मिल गया, सोने के खजाने मिल गए, वो हमारे गीतों की परिस्तार है, अब से नहीं जाने कब से। हजार हा साल से होगी सरकार, इश्क की गहराइयों को कौन नाप सका है आज तक। हम उसे रूह की गहराइयों से प्यार करते हैं दिलदार, वो बेमिसाल है, किसी दिन हमारे साथ चलकर देखो, उसका पूरे साल परिखाना अस खुद एक दास्तान है। दास्तान? वैसे अनकही दास्तान ज्यादा खूबसूरत नहीं होती सरकार। क्या मतलब? मतलब ये कि इस कुंज तन्हाई को छोड़कर उस महल में क्या जाना। था कि मैं कहना चाहता था, शायद दिल की कोई बात छुपा रहे हैं आप, तभी तो इजहार में मुश्किल पेश आ रही है। जी नहीं, दरअसल बात यह है सुरैया बेगम, आपका ज्यादा लोगों से मिलना जुलना मेरे कारोबार को नुकसान पहुंचा सकता है। तो आप नुकसान वाले कारोबार ना करें जी। आप सुरैया बेटी से क्या हुआ माता, जब चाहे तोड़ सकते हैं, ये नहीं हो सकना पड़ेंगे। आपकी आत्मा के लिए हम अपनी जिंदगी बदल के रखते हैं, इससे ना मिले उससे ना मिले, ये क्या बातें हुई? चंद हजारा की खातिर आपने सुरैया की मर्जियाँ तो ना खरीदी। अरे अरे, आप तो बुरा मान गई। आपने बात ही बुरा मानने वाली की है फैयाज साहब, हमारा आपका रिश्ता सिर्फ कारोबारी है और हमें हर बात कारोबारी जाब्ते में रहकर सोचना चाहिए। राज खुल जाए तो कुछ लोग आप सदा भी हो जाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या खूबसूरत बात की है नवाबजादा साहब ने। खूबसूरत बात सुनने और समझने की तमीजा आपके कन्ने कहाँ फैयाज साहब, आप तशरीफा ले जा सकते हैं। जब आपके आइटम का वक्त आएगा अखबार में इश्तहार दे दीजिएगा, हमें मालूम हो जाएगा। जी हाँ, ऐसा ही होगा। इस तलसी गुफ्तगू के लिए हम मादर चाहते हैं फैयाज साहब, मजबूरी है। जी नहीं, तलखी की तो कोई बात नहीं, हम तो फनकार के कदरदान हैं, आज से नहीं हमेशा से। खुदा हाफिज़ सुरैया बेगम। आदाब उस्ताद जी। आदाब, हमारे भी हैं मेहरबान। वही दिलदार जो उस रोज आपके कने था? हाय अल्लाह, बहुत सुरीला गला था उसका राज। हाँ बहुत सुरीला है, और इतना सच्चा कि बाप तुम्हें दुश्मन समझता है और वो तुम्हारा परिश्तार है, इसलिए घर से निकाल दिया गया है। हाय अल्लाह, सच माने उसकी आवाज़ तो दिल की गहराइयों में उतर जाए, उसे किसी दिन इधर लाए ना राज। ले तो आता, लेकिन वो भी एक दीवाना है सुरैया, आने के लिए मानेगा नहीं। अच्छा, तो उसके कने खुद चले जाते हैं? चलेंगे किसी दिन। किसी दिन क्यों, आज ही चले नाराज, अभी इसी वक्त। सर तस्लीम गम है जो मिजाज यार में आए। आइए। नसीब, आज तो तकदीर जाग उठी मेरी, बैठिए। हम तो तेरे सलामों को आए दिलदार। हाय कितना खूबसूरत है ये वीराना, जहाँ तेरे सुरा ने फूला और रंग बिखेर दिए,
बड़ी खूब जगह है दिलदार। बस आपसे मार खाकर घर में ठिकाना ना रहा, मैं यहाँ चला आया। और हम भी तुम्हारी तलाश में तुम्हारे कदमों के निशान पर चलते हुए यहाँ तक आ गए। कोई राज छोड़ दिलदार जो दिलों की धड़कनों की जबान बन जाए। हमारे होठों की बात छीन ली राज ने, हम भी तेरे कने फरमाए चले कर आए। मैं और आपको सुना लब खोलने की जरूरत नहीं है सुरैया बेगम, और फिर चांद और सूरज सामने आ जाए तो होश में कौन रह सकता है। सच माने दिल की धड़कन और सांस की रफ्तार टूट गई। इस टूटे सांस की सुरा को हम जाने दिलदार, तुम टूट कर भी राग हो, अमर हो। का दिलदार, हमारे लिए नहीं। अब यही दिल चाहे अखां बंद करके इंसान इसकी आवाज को सुनते सुनते जिंदगी की आखिरी ख्वाहिशें छुपाए चुपचाप मर जाए। अल्लाह ना करे, अभी तो एक नई दुनिया आबाद होनी है सुरैया बेगम, वो जहान जहां हमारे नवाब सादा सरकार की आंसुएं आपकी मुंतजर है। अब तो यही दिल चाहे इंतजारियां भी इसी वीराने में हो, जिंदगी भी और मौता भी। सुरैया भोपाली, तुम तो मुझे आधे तीतर आधे बटेर लगते हो मिस्टर फयाज। जी क्या मतलब, आपने मुझे अचानक इंसान से परिंदा कैसे बना दिया? आदमी मौत हो,
क्लब भी मौत चलाते हो और क्लब में कव्वालियां करवाते हो। तुमने उसका आइटम तो सुना था, लोग पागल हैं उसकी आवाज के लिए। नॉनसेंस, तो फिर उसकी कव्वाली पागल खाने करा दे मिस्टर फयाज, अपने क्लब का स्टैंडर्ड क्यों गिराते हैं? ये दौर कव्वाली का नहीं मॉडर्न म्यूजिक का है। आजकल के लड़के लड़कियों को गुस्सा आ गया तो आपके क्लब को आग लगा देंगे मिस्टर फयाज। ये तुम्हारी भूल है मिस शैला। भूल है तो फिर मेरा चैलेंज है, एक तरफ कव्वाली और दूसरी तरफ मॉडर्न म्यूजिक होगा, लोग कव्वाली को हूट करेंगे। गुड आइडिया, लेकिन इस मॉडर्न म्यूजिक का सिलसिला कौन पूरा करेगा? मैं और मेरी सहेलियां। वेरी गुड मिस शैला, मैं अपने आइटम की पब्लिसिटी इसी अंदाज से करूंगा। कौन से अंदाज से? शैला ने चैलेंज दिया है सुरैया भोपाली को, कव्वाली और मॉडर्न म्यूजिक का मुकाबला होगा हमारी क्लब में। भूल है शैला की, ये तो क्या सुरैया को बड़े बड़े मौसीकार नहीं जीत सकते। I'll prove it. था जिसका इंतजार वो शाकार आ गया। एडिटर साहब, कल मेरे क्लब में सुरैया भोपाली का पहला आइटम होगा। इतनी जबरदस्त पब्लिसिटी कीजिए कि इस शहर के एक एक इंसान को मालूम हो जाए कि कल मेरे क्लब के स्टेज पर एक जान निकलेगा, सुरैया भोपाली। जी बेहतर, ऐसा ही होगा। अमां यार, ये किस बात के शहर है भैया? अरे सुना है किसी कव्वाली का मुकाबला है, कोई सुरैया भोपाली कव्वाली गाएगी मॉडर्न क्लब में। ये औरत कव्वाली गाएगी? हाँ, औरत ने आदम को जन्नत से निकलवा दिया था, ये तो कव्वाली की बात है, कव्वाली की। तो सर, फिर शैला ने सुरैया के आइटम को एक मुकाबला बना दिया। वो अंग्रेजी साजो और किसी अंग्रेजी गाने से सुरैया को नीचा दिखाना चाहती है। भूल है शैला की, भला जिसे तुम ना जी सके उसे शैला क्या शिकस्त देगी? सुरैया बेगम को कोई नहीं जीत सकता सरकार, लेकिन हमने उसे जीता है। आप तो दिल की बात कर रहे हैं, मैं सुरों की बात कर रहा था। वो आज क्लब की जगमगाती रोशनियों में अपने सुरों का जादू जगाएगी। तुम हमारे साथ चलोगे दिलदार? जी, मैं, मेरा वहां क्या काम? वो तुम्हारी आवाज से पागलों की तरह प्यार करती है, तुम्हें उसकी आवाज से प्यार नहीं। मेरा प्यार उनके नाम के साथ सचता नहीं है सरकार, खुदा सलामत रखे आपके प्यार को, मैं तो दुआ देने वालों में से हूं। तो फिर अपनी दुआ समेत ही हमारे साथ चलो दिलदार, जाने क्यों ये महसूस होता है कि तुम्हारी छांव में हमारा प्यार जमाने के तारख तेज नजरों से महफूज रहेगा। जी, प्यार का महाफिज बनाकर एक और इम्तिहान में डाल दिया आपने, अब तो दिलदार को जाना ही पड़ेगा। ख्वातीन और हजरात, आज की इस रंगीन शाम आपके इस क्लब में दो बिजलियां टकराएंगी, एक मुकाबला होगा पुरानी गायकी और मॉड म्यूजिक का, शेर और नगमा की आधी, एक तान, एक सुर, एक रचाओ, सुरैया भोपाली। और मगरबी मौसीकी की दिलदादा, एक हंगामा, एक शोर, मिस शैला। Let's go.
कुछ सुन रही है सुरैया बेगम? लोगों के शोर की आवाजें, आपकी आवाज ने लोगों को पागल बना दिया है। हाँ सैयद साहब, कुछ ऐसे ही जान पड़े अपने को भी। इन पागल लोगों में से एक अफसर को न भूलिएगा जी। क्या बोले फैयाज साहब? मेरा मतलब था, आपकी ये सब पब्लिसिटी मैंने की है, और फरमाया आपने, मैंने आपको कितनी शोहरत दी है। मैं शोहरत और जिल्लत अच्छी तरह पहचानूं फैयाज साहब। सुरैया नवाब सर सरकार, इस कामयाबी पर आपको मुबारकबाद देने के लिए अल्फाज नहीं मिल रहे। बस बस आप बहुत अच्छा गाइए सुरैया बेगम। इस खुशी में आपको देने के लिए मेरे पास इन फूलों के सिवा कुछ नहीं। ये सब तो नवाबजादा सरकार के कमाल हैं दिलदार, अपने कने तो बस इनके शेरा हैं। तुम्हारी इस कामयाबी की इतनी खुशी हुई है कि दिल चाहता है लफ्ज मुबारक को फूलों की एक एक पत्ती के साथ परो दिया जाए। वैसे इस हार में परोए हुए फूलों में से कांटे तो निकाल दिए थे नवाबजादा साहब। इस वक्त तो आप भी मुझे कांटा दिखाई दे रहे हैं। नवाबजादा यूसुफ, तुम मेरे कारोबारी मामलात में दखल देते हो और तंज भी मुझ पर करते हो। अगर आप सुरैया के परिस्तार हैं तो इन्हें घर पे मिला करें या अपनी हवेली में बुलाया करें। ये क्या पाबंदियां की बात करें जी, अगर लगे ऐसे कारोबारों को जो हमें नवाबजादे सरकार से दूर करें। दरअसल मेरा मतलब था कि असलाम नकला तो छोड़े फैयाज साहब, सुरैया तेरे क्लब में कैदियों की तरह ना गाए। नवाबजादा सर गाएंगे तो सुरैया गाएगी, और फिर तेरा काम तो गलियां में अनाउंसमेंट करना है। इधर क्या लेते हो? अब तशरीफ लेके जाइए, अनायत होगी हजूर की। ये अनायत एक दिन तुम सबके लिए ज़हमत बनकर रहेगी। उस मामूली से कवालन से मुकाबला हार कर हौसला करो, मेरी इंसल्ट हुई है और तुम कहते हो मैं आंसू भी ना बहाऊं। नो नो बेबी, आंसू बहाना तो बुजदिलों का काम है। तुम तो बोल्ड लड़की हो, कोई खुदकुशी वगैरह का सोचो। मेरे आंसू पोंछने के बजाय मेरा मजाक उड़ा रहा फयाज। वैसे शहला के साथ बहुत बुरी हुई है मिस्टर फयाज, तुम चुप रहो फरी। क्यों झाड़ती हो बेचारी को, आखिर तुम्हारी सहेली है। वैसे हकीकत तो यह है शैला कि तुम्हारी मेरी एक ही कैफियत है। जो कुछ आज तुम्हारे साथ हुआ है मेरे साथ कई दिनों से हो रहा है। क्या मतलब? मतलब यह है कि मैं सुरैया का दीवाना हूँ और यूसुफ तुम्हारी मोहब्बत। लेकिन तुम जिसके लिए दीवानी हुई जा रही हो उसने तुम्हारे हारने की खुशी में सुरैया को ग्रीन रूम में मुबारकबाद भी दी है और पेश कीमत सेवर भी नाम दिया है। ये लड़कियाँ ऐसी ही लालच में तो अमीर ज़ादों को फांसती हैं। क्या कहती हो फरी? मैं ऐसी लालच को फांसी का फंदा बनाकर उसके गले डाल दूँ। बिल्कुल ठीक है, तुम्हारे साथ ज्यादतियाँ हो रही हैं शैला, और मेरी हमदर्दियाँ। मुझे किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं। मैं आज ही जाकर हारून अंकल से फैसला करूँगी, उन्हें मेरी इस जिल्लत का इंतकाम लेना पड़ेगा। और जो खूबसूरत ख्वाब वो लड़की देख रही है हम उन ख्वाबों को मंतशर कर देंगे। चुप खड़ी हमारा मुँह क्या देख रही है बेगम? नवाब रशीद जाइए और उनसे कहिए कि आज से चार रोज बाद हम शैला और यूसुफ की मंगनी की रस्म अदा करने के लिए उनके घर आएंगे। ये हमारा आखिरी फैसला है और बड़े से बड़ा तूफान भी हमारे इस फैसले में लचक पैदा नहीं कर सकता। आपका कहा था आंखों पर बेगम साहबा, मगर आपने कभी अपने इर्द गिर्द फैले हुए हालात का जायजा लेने की कोशिश की है? हम आपका मतलब नहीं समझे बहन। बात साफ साफ क्यों नहीं कहती बेगम? उमरा और ओसा की ऐसी कौन सी महफिल है जिसमें तस्करे नहीं होते यूसुफ और सुरैया भोपाली की मोहब्बत की? खुदारा आप तो लोगों की बातों में ना आइए। सिर्फ बातें नहीं, ये सब कुछ एक खुली किताब एक दास्तान बन चुकी है। लोग तो जेबे दास्तान के लिए बहुत बढ़ा चढ़ा कर बात करते हैं। तो क्या आप इस बात से इनकार करती हैं कि नवाबजादा यूसुफ और सुरैया भोपाली की? ऐसी लड़कियां नवाबजादों को फांसने के लिए जाने कैसे कैसे जाल बुनती हैं और फिर बच्चों से भूल हो जाया करती है। खुदारा अपने और हमारे ताल्लुक के पेश नजर इतना तो सोचिए, अगर आपने हमारी इल्तजा कबूल ना की तो। इल्तजा तो क्या बेगम साहबा, आप हमें हुक्म दे सकती हैं, लेकिन बेटे के माँ बाप अपनी बच्चे के मुस्तकबिल के लिए लाजमन ऐसा सोचा ही करते हैं। यूसुफ को मंगनी के बाद अपना रवैया तब्दील करना पड़ेगा। आप मंगनी के लिए इकरार तो कीजिए भाईजान, अगर उस बाद आपको कोई यूसुफ से शिकायत हुई तो बाखुदा हम सुरैया भोपाली का इस शहर में रहना मुश्किल कर देंगे। ठीक है, हमें मंजूर है। आज से आठ रोज बाद आप तशरीफ ले आइएगा और शैला बेटी को शर्फा शहर के सामने अपनी बहू तस्लीम कर लीजिएगा।
गुलाम बेचे कोई फरोश। ले लीजिएगा बेगम साहब, अल्लाह सरकार की जोड़ी सलामत रखे। खूबसूरत दुआ भी दी है तुमने, ये लो अपना इनाम। अल्लाह शाद आबाद रखे, साहिब औलाद करे। अरे अरे आराम से बाबा, इतनी तेजी है ना दिखा, सारी मुरादा एक दुआ में पार करना रे। शादियाँ औलादा, ये क्या बोले यूसुफ, अपने को तो शर्मा के पसीने आ गए। पसीना पोछिए अपनी जबी से। कसम से आएगा तो हमें दिलदार की कसम, ये बातें और ये ख्वाब हमारी जिंदगी बन जाएंगे। कसम तो प्यारी चीजों की खाई जावे, दोस्त आपको हमसे ज्यादा प्यारा है। बस इतना समझ लो कि तुम अगर दिल हो तो वो दिलदार है। ना ना जी, सुरैया ऐसी मंजूरियां ना देवे, अपने को दिला के साथ साथ दिलदार भी जानो जी, नहीं तो हम रूट जावेंगे। इसी बात का तो यकीन है कि तू रूठ नहीं सकती। रूठ ना सकूं, पर ये तो पूछ सकूं, कल कला को दोनों में से एक को चुनने का मौका आवे तो फिर क्या हालता बने। ऐसे मुश्किल सवाल नहीं पूछा करते, हमें आपकी टाल मटोला एक आंख ना भावे सरकार। बात खुल ही जाए तो भला, जाइए हम नहीं बोलते। दिलदार, अरे अरे सुनो तो, के साथ शामिल हो जाओ, वलीमे तो खाएंगे। क्या बात की है शबराजी, बड़े बाजे पर उस्ताद रुस्तम की कवाली की तुम नायलंग नए ढंग की बात सोची है तूने। बंद करो ये बेसुरी बकवास, ये अमन का वक्त है, माल को सुनाकर मेरा दिमाग ना खराब करो। परवरदिगारे आलम मेरा क्या बनेगा, बेटा मुझसे रूठ कर चला गया, साथ ही बद्दिल हो गया, रगों की मुर्गियां सूख कर कशमकश हो गई है, और उधर हरीफ के गले में कोयले बंद है। मेरा कुछ नहीं बन सकता। नाम बन गया उस्ताद रुस्तम, एक लड़की का पता चला है। अच्छा, क्या नाम है, काम क्या करती है, सूरत कैसी है, उम्र कितनी है, आवाज कैसी है? नाम उसका मेहताब सवाली, उस सूरत की वो गोरी काली, उम्र में वो सोन मस्ताल, अंग अंग पे जोबन, और आवाज सुनो तो उस्ताद बस बुलबुल है बुलबुल। बस तो फिर ठीक है, मैं बुलबुल को कोयल से लड़वा दूंगा, उसे अपने साथ मिला लूंगा, ताकि सुरैया भोपाली चारों शाने चित गिरे। आओ जुम्मन मेरे साथ, जरा मेरी पान की डिबिया ले। आइए आइए जहर नसीब, जो आप जैसे उस्ताद इस बाला खाने तशरीफ लाए। उस्ताद ये मेहताब सवाली है। अच्छा, वे लड़की तो हसीन है और तीर भी चला सकती, लेकिन ये आवाज वगैरह। उस्ताद गले में कोयले बंद है और तान पलटा तो इस तरह मारती है कि नवाब साहब देखेंगे तो बस दिल ही हार जाएंगे। अगर ऐसा हो जाए तो सुभान अल्लाह। बस यूँ समझिए मेहताब सवाली जी, कि अगर आप ये मुकाबला जीत गई तो नवाब ज़ादा साहब को भी जीत जाएंगी, और मैं तो ये चाहता हूँ कि आपकी आवाज की जीत सुरैया की मोहब्बत की हार बन जाए। पब्लिसिटी पर हजारों रुपए मैंने खर्च किए, क्लब में आइटम मैंने करवाया, और मोहब्बत की कमन नवाब सादे ने डाल दी है। ये अगर मेरी नहीं बनी तो उसकी भी नहीं बन सकेगी। सर, सर क्या बात जी? वो कोई रुस्तम कवाल मिलना चाहता है आपसे। रुस्तम कवाल? जी हाँ, बुलाओ सर। अच्छा जी, आदाब तस्लीमात बंदा परवर, हम पर भी एक इनायत की नजर, हम भी आपके चाहने वालों में से हैं। किस काम से आए? बड़ी दूर की कौड़ी लाया हूँ सरकार, शहर में जनाना कव्वाली का दस्तूर चल निकला है, नवाब लोगों ने अय्याशी को शराफत का रूप दे दिया है, इसलिए रुस्तम कव्वाल आसमान से चांद ले आया है, मेहताब सवाली। मेहताब सवाली वो कौन है? अरे हुजूर, वो जिसके गले में कोयले हैं। अरे हुजूर, चिड़िया सा नाजुक बदन, बात करे तो खुशबुएं फूटे, नाच करे तो लाशों के अंबार लग जाए। आप उसे एक दफा सुरैया भोपाली के बराबर मौका तो दीजिए। बात तो तुमने खूब की है रुस्तम, मगर देख लेना, अगर वो सुरैया से कम निकली तो? कम निकली तो रुस्तम खुदकशी कर लेगा,
आप मनादी का ढोल तो पिटवाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। लेकिन हम हर हालत में ये मुकाबला जीत कर सुरैया भोपाली को जीतना चाहते हैं और उसके लिए आप हुकुम कीजिए, मैं करूंगा। सुरैया भोपाली की हार ही मेरी जिंदगी है। तो फिर यूं करते हैं कि सुरैया भोपाली को हम आवाज खत्म करने वाला मशरूब देंगे। आवाज खत्म करने वाला मशरूब? हाँ, मुकाबले से पहले सुरैया को मशरूब तुम देना। घी? घी 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 मैं दूं? हाँ, सुरैया हार जाएगी और तुम जीत जाओगे और भैया सुरैया को जीत जाएगा। काम खतरनाक है लेकिन रुस्तम आपके खातिर ये काम करेगा और जरूर करेगा। जी आला आला आला। हजरात जरा तवज्जो फरमाइएगा, आज रात मौतन कलम में मुकाबला होगा। कवालियों को नहीं तो बिजलियां टकराएंगी और सामाइन को पाश पाश कर देंगी। आइएगा, जरूर आइएगा, तशरीफ लाइएगा। सुरैया भोपाली और मेहताब सवाली का मुकाबला होगा। आइएगा आइएगा। सुरैया भोपाली, आज तक कवालियों के मुकाबले वो जीतती रही लेकिन मोहब्बत की बाजी हमने जीत ली है। यू नो फरी, कल हमारी और यूसुफ की एंगेजमेंट है। लेकिन सुना है यूसुफ तो सुरैया के साथ बहुत इन्वॉल्व है। मंगनी के लिए मान कैसे गया? उसके मानने या ना मानने से क्या फर्क पड़ता है? ही इज माई राइट, ही इज माई प्रॉपर्टी। और फिर अंकल हारून के फैसले से टकराना कोई आसान बात नहीं। ये घड़ियां की सुइयां भी कैसी जालिम हुई, हमारी मर्जियां से ना चले। टिक टिक, क्या मुर्दार सी चाल है। मुरझा कर भी प्यार की बास नहीं गई। सुरैया बेटी, कल के मुकाबले के लिए कोई रियाज कोई तैयारी नहीं। तैयारियां क्या होने उस्ताद जी, हमें तो इंतजारियों ने मार डाला। तुम प्यार के समंदर में डूब रही हो और मैं मुस्कुरा कर देख रहा हूँ, इसलिए कि ये सब कुछ तुम्हारे फन को मुकम्मल कर देगा। तुम लाजवाल बन जाओगी, बस मुझे इसकी जरूरत है। चांद सूरज से रोशनी लेता है, तुम यूसुफ से रोशनी ले लो, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। आपके इंतजारी में तड़प रहे थे, दिल अपने से बहुत दूर चला गया था। सारा वजूद क्यों खाली खाली लगे था, जैसे कि दम घुट जाएगा। आपने मुझे क्या कर दिया है नवाब साहब, सच मानिए अपने कने तो कुछ भी नहीं रहा। ये इंतजारियां और आवाजारियां, इनका आखिर क्या है नवाब साहब? आखिर जी चाहता है हैसियत और ऊंचा नाम सब कुछ छोड़ छाड़ कर तुम्हारे साथ कवाल बन जाऊं। अल्लाह ना करे। और फिर यह तुम्हें दूर आसमानों की बुलंदियों पर ले जाऊं ताकि लोग जान सकें कि तुम सचमुच सुरैया हो। आपने तो हमें खाबा में घुमा दिया नवाब साहब, किसी काम में दिल ही ना लगे। कल के मुकाबले की न तैयारियां ना रियाज, बस दिल आप में गुम था। आप आए हैं तो काम की होशा भी आ गई। कल शाम के मुकाबले पर आप ना आए तो सुरैया हार जाएगी नवाब साहब। कैसे ना आऊंगा, क्यों ना आऊंगा, जरूर आऊंगा सुरैया। नवाब साहब, बस इतना याद रखिएगा, सरकार ना आए तो सुरैया मुकाबला हार जाएगी। जा रहे हो यूसुफ? जी जी, वो एक काम जा रहा था। बासुर, अपने काम भूल कर तुम्हें हमारे साथ जाना होगा।
लेकिन कहाँ हजूर? तुम्हें अपने साथ ले जाते वक्त ये बताना जरूरी नहीं कि हम तुम्हें कहाँ ले जा रहे हैं। जी ये तो दुरुस्त है, लेकिन मैं अर्ज करना चाहता था कि यूसुफ, तुम्हारी जिंदगी और वक्त में कुछ हमारा भी हिस्सा है, इसलिए कि हम तुमसे नहीं, तुम हमसे हो। हम तुमसे अपने बख्शे हुए वक्त का कुछ हिस्सा मांगते हैं, इसलिए कि हम तुम्हें कहीं वहां जाकर उस महफिल के आदाब और रस्में देखकर अगर तुमने कहीं जाने की हिम्मत बाकी रहे तो चले जाना। जी अब्बा हुजूर, लेकिन फजूल बहस में वक्त क्यों जाया करते हो यूसुफ? अच्छे बेटों की तरह सर झुकाकर अपने अब्बा हुजूर के साथ चलो। जी बेहतर है हुजूर। बस जरा हिम्मत से काम लेना रुस्तम, हम दोनों की मंजिल करीब आ रही है। लगता है कोई खतरनाक घड़ी आ रही है। खवातीन हजरात, आज की ये सादा सी तकरीब हमारी खानदानी रिवायात के खिलाफ तो है, लेकिन मसलहतन ऐसा होना जरूरी था। आज सहला बेटी और हमारे साहेबजादे नवाब ज़ादा यूसुफ की मंगनी की रस्म अदा हुई। नसीब दुश्मना तबीयत मलूल और बेचैन सी दिखाई देती है। मशरूब शौक कीजिए। जी नहीं, रूहे अफजा मशरूब है, इंतजार में बड़ा सुख मिलेगा। शौक कीजिए। ये गिलास नहीं, नहीं, नहीं ये गिलास आपका। जी ये खातीन और हजरात, आपके क्लब में आज एक मौसीकी का मुकाबला होगा जिसकी इब्तदा आपकी महबूब फनकारा सुरैया भोपाली करेंगी। सुरैया बेटी गाओ। जो कुछ आप चाहते हैं बहादुर, वो कभी नहीं हो सकता। हम इतने लोगों के सामने न तुम्हें डांटना चाहते हैं, अपनी इज्जत का जनाजा उठाना चाहते हैं। इस अंगूठी में हमारे खानदान की इज्जत लिखी हुई है यूसुफ। ये अंगूठी शैला को पहनाकर इन मेहमानों के सामने उसे अपनी जिंदगी का साथी तस्लीम कर लो। लेकिन ये सरस्वती आती है। तुम्हारी आवाज सुनने के लिए बेचैन है। सुरैया बेटी गाओ। हमारे कहरो गजब का इम्तहान मत लो यूसुफ, तुम्हें शैला को अंगूठी पहनाना होगी। सरकारा ना आए तो सुरैया मुकाबला हार जाएगी। सरकारा ना आए तो सुरैया मुकाबला हार जाएगी। नहीं नहीं, मैं आपके फैसलों की कुर्बान का पर अपनी मोहब्बत को भेज नहीं जा सकता। यूसुफ, हमारे फैसलों से टकराकर तुम अपने आप को दुनिया की अनगिनत नेमतों से महरूम कर लोगे। इस दुनिया में मोहब्बत से बढ़कर कोई नेमत नहीं। उस कब्बाल लड़की ने तुम्हारी आंखों की रोशनी और जहन का शऊर छीन लिया है। इसीलिए मैं इन लोगों को छोड़कर जा रहा हूँ। इनकी नजर में इंसान की नहीं, नरारों की कदर है। हम तुम्हें अपनी शराब से आप कर देंगे। मैं फिर भी नहीं रहूंगा। तुम जिंदगी भर हमारे घर में कदम नहीं रख सकोगे। मैं फिर भी चला जाऊंगा बहादुर। क्यों जाओ?
चुप लगी ऐसी जुबान पर जिस तरह ताला पड़ा। काहे बैठे हो, काहे बैठे हो, काहे बैठे हो नहीं नाच रही के।
इज्जत को ठुकरा कर चला गया और तुम उसकी शिकायत लेकर आए हो। अपने खानदान की इज्जत के दुश्मन को कत्ल करके आते फैयाद, तो हम तुम्हारे गले में फूलों के हार डालते। हमने जिंदगी भर किसी की मिन्नत नहीं की और तुम चाहते हो कि हम बेटे को वापस लाने के लिए सुरैया भोपाली के सामने दामन फैलाएं? नामुमकिन। हम तो सिर्फ ये कर सकते हैं कि अपने हाथों अपने बेटे की जिंदगी खत्म कर दें। नवाब साहब, दूर रहिए बेगम। किस्मत ने जो कालक हमारे माथे पर मल दी, वो खुद हमारे अपने खून से धुल जाएगी। बंदो शेरो करीम। जी सरकार। हमारे साथ चलो। पूछ लीजिए, कुछ देर बाद आपकी शादी मुखलिस कलाश इंसान जाएगी। हो सकता है आपकी मोहब्बत हमें एक शहनशाह बना दे, इसलिए कि हम दौलता की बातों को छोड़िए सरकार। कवालियां गाने वाली सुरैया ने बड़े बड़े नवाबों को हेरा, लेकिन जिस इज्जत का एहसास आज जान पड़ा है, ये तो कभी महसूस ही ना हुआ था। ये सब कैसे हो गया उस्ताद जी? ये सब तेरे नसीबे में लिखा था बेटी। मेरे नसीबा इतने ऊंचे हैं उस्ताद जी, तो अपने सारे साथ और तबले तोड़ दो, फेंक दो गंदी नाली में, कि इनमें से किसी को सुरैया की कवालियों की याद ना आवे। नहीं बेटी नहीं, माजी को तोड़ा भी नहीं जा सकता, फेंका भी नहीं जा सकता। बस कल को भूल जाओ और सिर्फ आज को अपने चेहरे पे सजा लो इस तरह कि तुम एक इज्जतदार अब्बाप की भी ला सको। नवाब सादा साहब, अभी ठीक से इज्जतदार बनना ना आवे, कोई भूल चूक हो जावे तो माफिया दे देना सुरैया को। इन हाथों को खुला रहने दो सुरैया, इन हाथों में हमारी बहन है। उस्ताद जी, अगर आपको हमारी गुर्बत कबूल है तो हम अभी काशी शहर को लेकर आते हैं, ताकि सुरैया को हमेशा के लिए अपनी जिंदगी बना लें। तुम जिंदगी खरीदने जा रहे हो, लेकिन मौत तुम्हारा रास्ता रोके खड़ी है। अब्बा हुजूर। अब्बा हुजूर नहीं, दुश्मन कहो। एक ऊंचे खानदान के बड़े नाम का महाफिज कहो। तुमने अपने दिल की धड़कनों से हार कर अभी अभी जो सौदा किया है, वो हमारे खून और खानदान को मंजूर नहीं है यूसुफ। अगर तुम्हारा खून सफेद हो चुका है, तो भी ये कव्वालियां गाने वाली लड़की हमारे खानदान की बहू नहीं बन सकती। आज ये शहर को बुलाने के लिए तुम जितने कदम उठाओगे, हमारी बंदूक उतनी ही गोलियां तुम्हारे सीने में उतार देगी। नवाब साहब, हम सिर्फ नवाब नहीं, इस गुमराह बेटे के बाप भी हैं, जिसे तुमने अपनी अदाओं के जाल में उलझाकर नवाबजादी बनने के ख्वाब देखे। लेकिन एक बात याद रखो सुरैया, तुम नवाबजादों के दिल बहला सकती हो, अपनी सुरीली आवाज से बड़े बड़े नवाबों को कंगाल कर सकती हो। तुम्हारे हुस्न की चमक से रौथा और उमरा अपने दिल तुम्हारे कदमों पर फेंक सकते हैं, लेकिन बखुदा तुम्हारे ये सत्तर घटिया कदम एक बहू के कदम बनकर किसी बड़े खानदान की दहलीज पार नहीं कर सकते। जलाल से कहिए रुक जाए, मौत बन के हमारी मोहब्बत का इंतकाल लेना चाहेंगे। कसम है सुरैया बेगम की, तलवार की इस धार से एक बार नहीं हजार बार गुजर जाएंगे। नहीं यूसुफ, तुम चुप रहो सुरैया, जिन हाथों ने बंदूक थामी है उन हाथों में का सफा खून हमारी रगों में भी खोल उठा है। बहादुर चलाइए गोली, गोली चलाइए। एक नवाब दादा अपनी होने वाली बीवी की तोहीन कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। सरपन, इस नंगे खानदान के बेहया जिस्म को उठाकर हमारी हवेली में ले जाओ। हम नहीं चाहते कि इसका जनाजा किसी नीच घर से उठे। परवरदिगार, हमारे बेटे को ठीक कर दे। फैयाज, ये तो अब तक होश में नहीं आया। यूसुफ, यूसुफ को सुरैया से कोई जुदा नहीं कर सकता। सुरैया यूसुफ की जिंदगी है। होश में आने के बाद ये इस घर में क्या मत बर्पा कर देगा आंटी? फिर क्या किया जाए, कुछ तुम ही बताओ फैयाज, हमारी समझ में तो कुछ नहीं आता। यहाँ आंसू बहाने की बजाय उस जलील औरत के पास जाइए और उसे दौलत का लालच देकर खरीद लीजिए, वरना इस तवेली के वारिस का निशान हमेशा के लिए मिट जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। तो फिर जाइए, देर न कीजिए आंटी,
उस औरत से अपनी इज्जत और यूसुफ की जिंदगी का सौदा कीजिए। उस्ताद जी, वो लोग मेरे यूसुफ को मार देंगे, सुरैया को उनके कहने ले दे उस्ताद जी। इन नवाबों के दिल सोने और चांदी के बने होते हैं बेटी, इनके दिल पर तुम्हारी चीखें असर नहीं कर सकती। सुरैया बेगम साहिबा, क्या हाल है यूसुफ का? वो ठीक तो है ना? जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला है जी। तुम्हारी मोहब्बत ने हमारे बेटे को मौत की दहलीज तक पहुंचा दिया है सुरैया। बेगम साहिबा, सुरैया भोपाली, हमने अपने बेटे की सालगिरह पर तुम्हें हीरो जड़ा हार इनाम में दिया था, लेकिन तुम इतनी चालाक हो कि हमारे खानदान का कोहे नूर चुरा ले। किस हैसियत में आखिर तुम इतनी समझदार तो नहीं कि उस हीरे की हिफाजत कर सको, और हम इतने कमजोर भी नहीं कि तुमसे वो हीरा छीन ना सके। बेगम साहिबा, आपको अपनी ताकत के मान, अपने ऊंचे घराने के नाम की फिक्र है, और हमें सिर्फ यूसुफ की जान की परेशानी है। अल्लाह ना करे उन्हें कुछ हो गया तो। सुरैया बेटी पर इल्जाम लगाने की बजाय मैं बाप दादे की जान बचाने की कोशिश कीजिए बेगम साहिबा। उनकी जिंदगी दुनिया की हर चीज से कीमती है। हम यूसुफ की जिंदगी का ही सौदा करने आए हैं उस्ताद जी। इस कवालियां गाने वाली लड़की से कहिए हमारे बेटे की जिंदगी से दूर निकल जाए, वरना हमारी हवेली बर्बाद हो जाएगी। बाप बेटे का कातिल बनकर फांसी के फंदे तक पहुंच जाएगा, हमारा सुहाग बर्बाद हो जाएगा। तुम अपनी मोहब्बत में गुम और कितने घर उजाड़ना चाहती हो सुरैया? हम पर इल्जाम लगाने से पहले अपनी बातें याद कीजिए बेगम साहब। कोहिनूर छीने हम नहीं आ पाए हैं, वो जिसे आपने अपना बेटा कहा है वो हमारी मोहब्बत है बेगम साहबा। और सुरैया बेचारी का हौसला तो देखें, आपके सुहाग ने मेरी आंखों के सामने मेरी मोहब्बत का खून बहाया। मैं आपके गले गिला करने नहीं गई, प्यार के इस खेल में सुरैया ने दिन हारा, आपने कोहिनूर खोया। अपने दिल से पूछकर मुझ नसीबा चली को ये बताइए बेगम साहबा कि हीरा दिल से कीमती है या दिल हीरे से? बात दौलत और हशमत की नहीं, इंसानी जज्बात की है बेगम साहबा। मेरी बेटी की तकदीर का फैसला मोतियों जड़े दिल से नहीं, प्यार भरे जज्बात और धड़कते हुए दिल से कीजिए। जो कसूर सुरैया बेटी का है वही कसूर आपके बेटे का भी है। दो प्यार भरे दिल एक दूसरे से जुदा कर दिए गए तो कयामत टूट पड़ेगी। सुरैया मर जाएगी तो उसके बिना न बाप ज्यादा यूसुफ भी जिंदा नहीं। उस्ताद जी, एक माँ के सामने बेटे के लिए ऐसी बात कहते हुए आपकी जबान क्यों नहीं कांपी? आपका दिल क्यों नहीं डूबा? आपको सिर्फ अपनी बेटी की आरजुओं का पास है, लेकिन हमें अपने बेटे की जिंदगी के साथ साथ अपने सुहाग और अपनी हवेली के नामूस को भी बचाना है। हम हर कीमत पर अपनी इज्जत और अपना बेटा वापस लेकर जाएंगे। बताओ, क्या तुम ऐसा नहीं होने दोगी सुरैया? क्या तुम अपने यूसुफ की माँ को अपने घर से खाली हाथ लौटा दोगी? हम अपना दामन फैलाकर तुमसे अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांगते हैं सुरैया। तुम्हें हमारे बेटे की नहीं, अपने यूसुफ की कसम उसकी जिंदगी से निकल जाओ। अगर वह ना हटे तो यूसुफ मर जाएगा, यूसुफ मर जाएगा, यूसुफ मर जाएगा, यूसुफ मर जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं होगा। बेगम साहबा, मैंने आपको अपना यूसुफ नहीं, आपका इदा लौटा दिया है। मेरा यूसुफ तो सदा मेरे दिल में आबाद रहेगा। जाइए बेगम साहबा, सुरैया ने आपका दामन अपनी आरज़ुओं से भर दिया है, आपका बेटा इधर नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। सुरैया बेटी, ये तुमने क्या कर दिया है? ठीक की तो किया है उस्ताद जी, यूसुफ की कस्मा पर अपना दिल उजाड़ लिया है। मेरे नसीबा में यही लिखा था उस्ताद जी, यही लिखा था। दुनिया उजाड़ ली है तो अब कहाँ जा रही हो? जलते हुए अंगारों को शोला बनाने चली उस्ताद जी। मेरा दिल कहे यूसुफ जरूर आएगा, वो आए तो उसे बोल देना उस्ताद जी, सुरैया रानी में दिलदार करने गई है। दुनिया की कोई ताकत सुरैया को मुझसे दूर नहीं कर सकती। नहीं बेटे नहीं, तुम इस काबिल नहीं कि घर से बाहर कदम रखो। आप लोग मुझे उसे दूर करके मार देना चाहते हैं, लेकिन ये कदम मौत के दहलीज पार करने से पहले
मुझे सुरैया तक पहुंचा दे। नहीं यूसुफ। हार जाए या नहीं, मैं अपने सुरैया के पास रह जाऊंगा। सुरैया, सुरैया कहाँ हो तुम? सुरैया आप था सरकार। सुरैया को बुलाइए उस्ताद जी, उसे कहिए हम अपने रास्ते की तमाम दीवारें गिराकर आ गए हैं। हमारे मुंह क्या देख रहे हैं? सुरैया को बुलाइए ना उस्ताद जी। जी सुरैया बेटी तो वीराने में दिलदार के पास गई है नवाब दादा सरकार, दिलदार के पास। सुरैया बेगम, ये क्या कहती है आपने? बड़े नवाब साहब ने नवाब दादा सरकार पर गोली चला दी, वो बच तो गए ना? बचने की क्या पूछे दिलदार, दूरी और जुदाइयां तो वो शहर जो आशिका को एक पल में मुकावे, तेरे शहर में हम तो लुट गए दिलदार। अपने कन्ने तो कुछ भी नहीं रहा, ना लिखी होती अपने बख्ता में वो घड़ी कि तेरे शहर में आते। और आई गए थे तो इतनी मौलता मिलती कि दिल की बात अपने दिलदार से कह पाते। सुरैया बेगम, दिला की बात छुपाते अरसा बीता दिलदार, सुर वाले सुर वालों को चाहिए। यूसुफ कन्ने तो अब दौलता की कमी आ गई, सब कुछ बाप ने छीन लिया। दौलता से खाली नवाब ढूंढने से सुर की दौलता वाला दिलदार न भला। सुरैया बेगम, अगर आप दोस्ती का इम्तिहान लेना चाहती तो ये दिल एक अरसा हुआ दोस्ती के कदमों तले कुचला जा चुका है। और अगर आप ये समझती हैं कि नवाब ज्यादा सरकार से आपकी बेवफाई को मैं हंसकर कबूल कर लूंगा तो ये आपकी भूल है सुरैया बेगम। ऐसा कभी नहीं हो सकता, यूसुफ का दुश्मन मेरा दुश्मन है। अगर आप उनकी नहीं रही तो फिर आपका वजूद मेरे लिए काबिल एहतराम नहीं रहा। चली जाइए आप यहां से। जाने को सुरैया चली जाए लेकिन कदमों में चलने की हिम्मत नहीं दिलदार। आपकी बेवफाई के सबब पाओ तो क्या दिल और दिमाग भी आपका साथ छोड़ देंगे। साथ यूसुफ का न रहा तो क्या रहेगा? ये बेवफाई के काल का अपने हाथों से माथे पर लगाए, तुझसे जो भी कहा झूठ बोला, इसलिए कि ये सब बात मेरा यूसुफ अभी अभी सुन कर गया दिलदार। नहीं दिलदार ने अपने होठों को सीले। दोस्त दोस्त बनकर दुश्मनों का सबरदार क्यों करती है आप? मैं उन्हें बताए बगैर नहीं रह सकता, ये मेरी दोस्ती का फर्ज है। इस फर्ज को भूल जा दिलदार, जख्मा की पीठ सह के तो देख। कुछ मत बोल दिलदार, तुझे मेरी जान की कसम। मेरी क्लब में आने वाले मेहमान इस तरह उदास और उछड़े हुए महसूस हों ऐसा नहीं हो सकता। क्या करना? मैंने जो कुछ कहा उसे छोड़ो, ये बताओ कि तुम क्या सोच रहे हो। कुछ नहीं, अब तक तुम्हारी क्लब की दीवारों से उस बेवफा की आवाज सुनाई देती है फयाज। सुरैया बेवफा निकली? शुक्र करो कि तुम्हारी जान छूट गई यूसुफ मियां। ये तुम्हारा ख्याल है लेकिन उसके गम से तो जान मर के ही छूटेगी फयाज। कोई मरने का बहाना बताओ। मैं तुम्हारा कजन, मौत का बहाना बताकर तुमसे दुश्मनी नहीं कर सकता। वैसे जिस कैफियत में तुम, ऐसे हालात में शराब इंसान का सहारा बन सकती है। शराब सहारा बन सकती है मुझे यकीन है, शराब का नशा मोहब्बत के नशे पर गालिब आ जाएगा। क्या आपके लिए एक डबल विस्की लाओ। शराब खाने के हिसाब से नहीं, गम के हिसाब से पीऊंगा फयाज, गम के हिसाब से। जरूर। Thank you.
साथ। नवाब ज्यादा यूसुफ गम खुर्दा, बहुत ज्यादा, दौलत बेपना और गम बेइंसाफ। नवाब साहब जख्म खुर्दा है तो फिर दिल नवाज जख्मों का मरहम न बने तो मुजरा क्या हुआ? सुभान अल्लाह। तो फिर दिल नवाज कोई ऐसा गीत सुनाओ जिसमें रंग हो, हमारी महरूमियों का नहीं उसकी बेवफाइयों का, जिसने हमारा दिल लूटा है। जाओ गाती क्यों नहीं? Thank you.
तरह है जो तवाइफों के बाला खाने पर आने के आदाब नहीं जानता। जो हम जानते हैं वो तुम नहीं जानती नायका, खामोश हो जाओ। दरअसल नवाबजादा साहब की तबीयत बहुत जज्बाती है सितारा भाई, इसीलिए मुझे में नोटों के बजाय थप्पड़ों की बरसात करते हैं। तुम किस दौलत की बात करती हो, हम तो घर की दौलत उठा चुके हैं। अगर फिर भी तुम्हें हमारे तंग दामने का गिला है तो भागो इन लोगों को, और अपनी वफा का गीत सुनाओ जिससे हमारी वफा की पहचान हो। जो सुलूक मेरी बेटी के साथ हुआ है ये इसके बाद नहीं गाएगी। इसे करना पड़ेगा, ये गाएंगी तो मर जाएंगी। ऐसा लगे डॉक्टर साहब मैंने दवा लिख दी है, लेकिन इलाज से ज्यादा इनकी आवाज पर पाबंदी और एहतियात जरूरी। यूसुफ, मैं भोपाली की मोहब्बत की खातिर अपने खानदान को कहां कहां रुसा, खुदा रहा इतना तो सोचो अगर तुम्हारे अब्बा हुजूर देख लिया कयामत आ जाएगी। कयामत अगर किसी बहुत बड़ी सहसवानी है, हमने शराब नहीं शहर पिया है, और शहर पीने वालों से तो लोग हम दर्दी क्या करते हैं। आप तो नाराज हो रही हैं, अब्बा हजूर भी नाराज होते हैं। इसे माफ कर दीजिए, सिर्फ एक बार मेरे कहने पर माफ कर दीजिए। मैं वादा करती हूँ ये आइंदा ऐसा नहीं करेगा। बुराइए नहीं बेगम, नादान आशिक इसी तरह अपने आप को गर्क करते हैं। हमने अपने कहर गजब को अपने काबू में रखा है, इसलिए कि हमें यकीन है सुरैया भोपाली कुछ अरसे तक इसके जहन से उतर जाएगी। दवा पी लो बेटी, क्यों अपनी जिंदगी से खेल रही हो, लो दवा पी लो। इस दम तोड़ती हुई जिंदगी का इलाज दवा नहीं उस्ताद जी, बस आप लोग मरने वाले की आखिरी ख्वाहिशें पूरी करते हैं। अपनी जिंदगी में बातों और याद ही तो बाकी हैं। आपको मेरी कसम, एक बार वहां ले जाइए जहां यूसुफ ने सदा साथ रहने की कसम खाई थी। वहां जाकर क्या करोगी बेटी, तुम्हारा दुख और बढ़ जाएगा। अब आपके दिलों पर बेटी की कसम कभी ऐसा ना हो। ऐसा नहीं हुआ, जानता हूं तेरी जिद माननी ही पड़ेगी, तुझे वहां ले जाना ही पड़ेगा। चल उठ, उस वीराने में जाकर अपने दिल को और वीरान कर ले, और वीरान कर ले। सुरैया बेगम, ये आपकी क्या हालत बना ली है सुरैया बेगम? बस मौत के इंतजार ही हैं दिलदार, सोचा आखिरी बार इस जगह की ज़ियारत कर ले। उस्ताद जी, आपने इनका कोई इलाज नहीं कराया, इनके चेहरे पर ये वीरानी और ये वहशत, सब इलाज भी असर हो गए हैं दिलदार। ये सब देख देख कर तो मुझे यूं महसूस होता है जैसे सुरैया एक बेजुबान मरकत है, इसने गम को इस शिद्दत सीने में छुपाया है कि डॉक्टरों ने इसकी आवाज और गाने पर पाबंदी लगा दी है। सुरैया बेगम, और मैं जानू मंजिल आसान हो गई, बस एक बार उनको देख लूं, माता को आवाज देने की बजाय गालूंगी दिलदार। दिलदार बेटे, कुछ तुम ही इसको समझाओ, मेरी बात का तो कोई असर नहीं रहती। सुरैया बेगम, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपकी आवाज और आपका फन। आवाज मानता थे किसी के, फन जिसके लिए था वो कब का पिछड़ गया, अब सुरैया जी कर क्या करे। सुरैया बेटी, जिन जालिमों ने यूसुफ को तुमसे दूर करके तुम्हें मौत की दहलीज तक पहुंचा दिया है, वो अपनी रवायतों के मुहाफिज नहीं, मेरी बेटी के कातिल हैं। देखो दिलदार, कितना हौसला है मेरा
जिसे बेटे की डूबती हुई नब्जों को थाम कर इसके दिल के जख्मों पर मरहम लगाना पड़ता है, लेकिन अब मैं हार गया हूं। उन लोगों की नखबत और अनाह की दीवार टूट कर रहेगी, मेरी बेटी को कुछ नहीं हो सकता, मेरी सुरैया को कुछ नहीं हो सकता। गुस्ताख बेअदब, तुम्हें इस घर में आने की जुरत कैसे हुई? आपके संगलाख फैसले और बेगम साहिबा की मिन्नतों ने एक मजबूर बाप को गुस्ताख बना दिया है। मैं आप पर वही वार करने आया हूँ जो बेगम साहिबा ने अपने बेटे की जिंदगी बचाने के लिए मुझ गरीब पर किया था। मेरी बेटी सुरैया बिस्तरे मर्द पर है हुजूर, बीमारी ने उसे इस कदर निढाल कर दिया है कि वह मर जाएगी। सुरैया को उसकी मोहब्बत लौटा दीजिए हुजूर। अपने औकात में रहकर बात करो कबाल। तुम इस काबिल तो हो कि तुम्हारा दामन हीरे जवाहरात से भर दिया जाए, लेकिन हम तुम्हें हुस्न यूसुफ देते, अपने खानदान का वकार बख्शते, ये मुमकिन नहीं उस्ताद प्यारे मिर्जा। मेरी बेटी ने बेगम साहिबा की मिन्नत सुनकर अपने जज्बात का गला घोंट लिया। उसने वो बहरू भरा कि नवाब दादा यूसुफ दिल बर्दाश्ता होकर वहां से चले आए, लेकिन ये मत भूलिए कि मंगनी की वो अंगूठी जिसमें आपके खानदान की इज्जत लिखी हुई है आज भी दम तोड़ती हुई सुरैया की उंगली में है। हमारे गजब को मत ललकारो प्यारे मिर्जा। खुदा रा नवाब बनकर नहीं इंसान बनकर फैसला कीजिए। यूसुफ और सुरैया की शादी न हुई तो वो दोनों मर जाएंगे। एक बार नहीं लाख बार मर जाए। और जिस अंगूठी को मंगनी की अंगूठी बनाकर तुम हमारी तशहीर करोगे, हम उसे इनाम और बख्शिश की अंगूठी बनाकर जिल्लत का वो दाग मिटा देंगे जो यूसुफ ने हमारे माथे पर लगाया। इससे बेस्ट के हमारे मुलाजिम तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दें। अभी और इसी वक्त यहां से निकल जाओ प्यारे मिर्जा, वरना हमारा गजब तुम्हें तबाह कर देगा। जाओ, निकल जाओ। क्यों कह रहे हो? मेरा तुम्हारे साथ क्या वास्ता है शैला? जिंदगी भर का वास्ता है। शैला आपकी मंगेतर है। मंगेतर और जज्बात, ये सब झूठ का एक भयानक खेल है फरी, जिसे तुम नहीं समझ सकती, कोई भी नहीं, मैं भी नहीं। समझती हो या नहीं, लेकिन यूसुफ तुम घर तो चलो। वहां मेरे लिए क्या है? एक परेशान हाल माँ और एक इज्जतदार बाप दोनों तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इंतजार कौन करता है किसी का? कोई नहीं करता। जब उसने, तुम उसकी बात नहीं भूल सकते यूसुफ। मैं अपने आप को बर्बाद करके उससे इंतकाम ले रखा हूँ शैला। इंतकाम की तकमील हो गई तो उसे भूल जाऊंगा, मैं उनको भूल जाऊंगा। तो फिर इंतकाम लेने का एक अंदाज ये भी तो है कि आप जल्द से जल्द शैला से शादी कर ले। खामोश हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमारी इज्जत और नामोज को शराब में गर्क कर दो। इस मैं नोशी का सहारा लेने की बजाय बरमला एतराज करो सुरैया भोपाली की बेवफाई का, उन बातों का जो हम तुमसे करते रहे। जो कुछ आपने कहा दुरुस्त वो भी नहीं था, और जो कुछ मैंने सुना दुरुस्त वो था हजूर। मैंने अपने आप को जहनी तौर पर शादी पर आमादा कर लिया है। मेरी शादी कर दीजिए, जल्द से जल्द मैं शादी करना चाहता हूँ। सुबह का भूला अगर शाम को वापस लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते नवाब साहब। यूसुफ का शादी के लिए मान जाना ही बहुत बड़ी बात है, इस बात को यही संभाल लीजिए सरताज। कहाँ जा रहे हो यूसुफ? घर में मेहमान आने वाले हैं, बारात की रवानगी का एहतमाम है और तुम? हम अपनी शादी का जश्न मनाना चाहते हैं बहजूर,
हाँ सुरैया भोपाली को इस जश्न पर खाने की दावत देने जा रहे हैं। सुरैया भोपाली? नहीं यूसुफ नहीं, वो यहाँ नहीं गाएगी। वो ना गाई तो हमारी शादी का जश्न क्या हुआ, हंगामा ना हुआ तो हमारी जीत क्या हुई। ये शादी इसी शर्त पे हो सकती है अम्मी हजूर कि वो नीच औरत इस घर में गाए, है गालन की हैसियत है। उस लड़की को इस महफिल में आने से रोक दीजिए सरताज, कहीं ऐसा ना हो सुरैया भोपाली के आ जाने से महफिल में बदमजगी हो जाए। बदमजगी कैसे होगी, इस बार सुरैया की जिल्लत और यूसुफ के इंतकाम से हमारी इज्जत को और सरबुलंद हो बेगम। आज हमें पहली बार यूसुफ पर गुस्सा नहीं आया तो हम हीरे जवाहरात दे सकते हैं। सब कुछ आप ही का दिया हुआ है सरकार। तारा देख कर तुम्हारी आंखों में चमक तो आ गई है सुरैया, लेकिन हम तुम्हारी जबान से ही चाहते हैं, बताओ हमारे शादी के जश्न में गाओगी या नहीं? क्यों नहीं गाऊंगी दादा सरकार, जरूर गाऊंगी। यह रही तुम्हारी कीमत। राजा दुश्मन कहा तुम? यूसुफ मेरे दोस्त। साफ नहीं आप ज्यादा सरकार कहो, हमारे तुम्हारे दरमियान दोस्ती का रिश्ता एक कालिया गाने वाली बेवफारत की वजह से टूट चुका है। नवाबजादा सरकार, ये आपने अपनी क्या हालत बना रखी है। बाखुदा मुझे अपने माथे पे लगी हुई बेवफाई की कालक धोने की आरज़ू से आपकी जिंदगी आपकी खुशी से ज्यादा है। हमारी खुशियां तो इंतहा तक पहुंच गई दिलदार, देखो खुली आंखों से देखो, हम दुल्हा का लिबास पहने आए हैं। हमारी हवेली में हमारी शादी पर बहुत बड़ा जश्न मनाया जाएगा, तुम उस जश्न में गाओगे और सिर्फ तुम ही नहीं वहां तुम्हारी महबूबा दिल नवाज सुरैया भोपाली भी गाएगी। नवाबजादा सरकार ये क्या कह दिया आपने, सुरैया बेगम नहीं गाएगी। क्यों नहीं गाएगी, कैसे नहीं गाएगी, हम नवाब चाहते हैं कोई गवाह नहीं जो हमारे हुक्म को टालते हैं, हम एक गाने वाली की आवाज की कीमत अदा करना जानते हैं तो कीमत हमने अदा कर दी, तुम अपनी आवाज की कीमत बताओ। क्या लोगे आज की महफिल सजाने के लिए, तुम और तुम्हारी महबूबा दाना हमारे कदमों में बैठ कर जाओगे। आपके कदमों में बैठ कर गाना मेरे लिए तो फख्र की बात है नवाबजादा सरकार, लेकिन खुदारा सुरैया बेगम को गाने के लिए मत कहिएगा, उन्हें गाने की दावत देकर आप अपनी मौत को आवाज देंगे। गुस्ताख कमीने, मुकाम भूल के हमें जान से मारने की धमकी देता है, तू शायद जानता नहीं। मैं जो कुछ जानता हूँ आप नहीं जानते नवाबजादा सरकार। वो दम तोड़ती से सख्ती लाश जिसका नाम सुरैया भोपाली, उसने अपने जज्बात आपकी जिंदगी की भेंट चढ़ाकर अपना दामन बड़ी बेगम साहिबा के कदमों पर खाली कर दिया, आपसे ना मिलने की कसम खाकर, सिर्फ इसलिए कि नवाबजादा सरकार अपने बाप के हाथों कत्ल हो और आपके आली नसब खानदान का वकार रह जाए। फिर उसने आपके दिल में नफरत पैदा करने की खातिर चंद लम्हों के लिए आपके गरीब दोस्त को मोहब्बत किया। प्यार में डूबे वो अल्फाज सुनकर दोस्ती के कदम डगमगाए नहीं थे नवाबजादा सरकार, मैंने तो अपनी गुमनाम मोहब्बत का गला उसी दिन घोंट दिया था जब सुरैया बेगम मेरे दोस्त का इंतखाब बनी थी। धोखा मैंने नहीं किया, धोखा मेरे साथ हुआ है नवाबजादा सरकार। मोहब्बत मिली भी तो आपकी नफरत के सदके में मैं तो चुपचाप अपनी तन्हाइयों में सुलगता रहा, सिर्फ इसलिए कि मेरी चाहत की हर धड़कन पर पहले आपकी दोस्ती का कब्जा था, उसकी मोहब्बत का नहीं। दिलदार हमें माफ कर दो दिलदार। इन सब बातों को छोड़िए सरकार और सुरैया बेगम को अपने यहाँ गाने से रोकिए, डॉक्टर ने उन्हें गाने से मना किया है, वो अगर गाएंगी तो मर जाएंगी। दरों दीवार पे
को एक इम्तहान से गुजारा था नवाबजादा सरकार, अब और कौन कौन से इम्तहान बाकी हैं? दिलदार, आपकी दम तोड़ती मोहब्बत को संभाला ना दे सका, मगर इसकी सजा अपने आप को बर्बाद करके मत दीजिए। दिलदार ने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, आज मांगता हूं सरकार, मुझे मेरा दोस्त वापस दे दीजिए, घर लौट चलिए, खुदा घर लौट चलिए।